फोरलेन निर्माण से जिला सोलन विकास की इबारत लिखने को तैयार है, लेकिन ये विकास कई गरीब लोगों के लिए मानव विनाश लेकर आया है, जो उनका सपनों का आशियाना था या तो पूरी तरह से उजड़ चुका है या उजड़ने की कगार पर है। गरीब व्यक्ति अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए घर बनाता है ताकि उनके सर पर छत हमेशा बनी रहे, लेकिन इस क्षेत्र के रहने वाले 75 वर्षीय व्यक्ति हरिराम की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरिराम का सपनों का घर NHAI की लापरवाही की वजह से गिरने की कगार पर है। सड़क का पानी हरिराम के घर की ओर मोड़ दिया है, जिसकी वजह से हरिराम के घर में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। उन्हें अब अपने ही घर में रहने से डर लग रहा है। वे पंचायत से लेकर उपायुक्त सोलन को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस वृद्ध अवस्था में वे कहां जाएं। वे उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं, ऊपर से उनके आगे पीछे देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। एक बेटी थी, उसका विवाह कर दिया है। अब हरिराम अपनी पत्नी के साथ इस घर में अकेले रहते हैं। आपको बता दें कि हरिराम पहले दिल्ली में रिसेप्शनिस्ट थे, वहां से जो पैसा मिला वे इस घर पर लगा दिया। अब उनका कोई आय का साधन नहीं है। उन्हें और उनकी पत्नी को केवल 3,000 रुपए नागरिक सुरक्षा योजना के तहत मिलते हैं, बस उसी से उनका गुजर बसर चल रहा है। हरिराम ने अपना दुख मीडिया के समक्ष बयान करते हुए कहा कि वे अपने घर को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर का एक हिस्सा पूरी तरह बैठ चुका है और उन्हें डर है कि ये घर जल्द ही गिर सकता है, क्योंकि फोरलेन से आने वाले पानी ने उनके घर की नींव पूरी तरह से हिला दी है। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मौके का निरीक्षण किसी ने नहीं किया है। इसलिए वे चाहते हैं कि जल्द उनकी इस समस्या पर गौर किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जाए, ताकि वे अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ सुकून का जीवन जी सकें। मैं रुंदनगढ़ का रहने वाला हूँ, बाईपास कुंगाटी, और मैं यहाँ 20 वर्ष से रह रहा हूँ। और यहाँ पुलिया जो थी वो जीरो पानी आता था। फोर लाइन की वजह से जो है, मतलब वो पुलिया 4 गुना ज्यादा बढ़ गई, जिससे सारा पानी नाले में आ गया और सारा ना दोनों तरफ से मेरा मकान गिरने के लिए आ गया। जगह बैठ गई सारी और मकान में, पूरे मकान में मेरे मकान में पूरे दरारें आ गई, जिससे मेरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। और मैं अपने बाल बच्चों को अब कहाँ ले जा सकता हूँ? मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है। हम मियाँ बीबी है दो और हम सीनियर सिटीजन है। हमारे पास कोई स्कोप नहीं है जो कि कुछ हम कर सके। इसलिए मेरी प्रशासन से और है अर्ज है कि जो मेरा ये मकान जो है, इसको रिक्वायर किया जाए और जो कुछ कंपटीशन मुझे देना हो दिया जाए, ताकि मैं आगे कहीं अपनी जान माल के बचने की कोशिश करूं, अपने बाल बच्चों की रहने का कहीं इंतजाम कर सकूं। क्योंकि यहाँ पानी की वजह से पूरी नाली में पानी के भाव से मेरे पूरे मकान जगह बैठ गई है। मकान किसी भी वक्त मकान को नुकसान हो सकता है और मकान बैठ सकता है। आधा मकान तो मेरा बिल्कुल नीचे का हिस्सा तो सारा बैठ गया, वो पिछला हिस्सा भी बैठने के लिए हो चुका है। इसलिए मेरी प्रशासन से यह अर्ज है कि भाई जो मेरे लिए कुछ फोर लेन से या जैसे भी है, मेरे लिए जो कंपटीशन फोर लेन वालों से और जैसे भी है, फोर लेन वालों की वजह से मेरा नुकसान हुआ, ये फोर लेन से मेरा रिक्वायर किया जाए, ताकि मेरा कोई कंपटीशन दे के मैं अपना कहीं गुजारा कर सकूं। वहीं जब इस बारे में SDM सोलन IAS अजय कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आज ही ये मामला आया है, इसलिए उनकी टीम मौके का मुआयना करेगी और जो भी त्वरित कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वहां बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, इसलिए वे उनके मकान की हालत को देखकर जो मुआवजा नियमानुसार बनेगा वह दिया जाएगा, ताकि उन्हें फौरी राहत मिल सके। लेकिन एक जो विशेष केस हमारे पास आया आपके माध्यम से, हरिराम जी का, कुमार हट्टी के पास, जैसा कि हमें पता चला कि ये काफ़ी वृद्ध दंपत्ति है, जो दो वृद्ध लोग हैं वो अकेले रहते हैं और इनके सहारे के लिए कोई नहीं है। इनके घर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ गई है, तो इस विशेष केस पे हम अपनी तरफ से जो कार्रवाई बन पड़ेगी SDRF की तरफ से, उनको जो मदद हो पाएगी हाउस रिपेयरमेंट की, वो ज़रूर करेंगे।
इसके लिए पटवारी को, कुमार अट्टी सर्कल के पटवारी को सूचना भेज दी गई है। वहाँ से जैसी रिपोर्ट आएगी हमारी तरफ से नियमानुसार जो मदद हम कर सकते हैं वो इस वृद्ध दंपत्ति की हम जरूर करेंगे।